हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल घर संसार वास्तु शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूं, तुलसी अगर घर में है तो जरूर जानिए इन बातों को। इस जानकारी को बताने से पहले यह मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल घर संसार वास्तु शास्त्र को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिन्हें आप अपनाएंगे तो आपके घर संसार में सुख समृद्धि आएगी। प्राचीन काल से ही यह परंपरा चली आ रही है कि घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र और देवी स्वरूप माना गया है। इस कारण घर में तुलसी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि ये बातें ध्यान रखी जाती है तो सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। घर में सकारात्मक और सुखद वातावरण बना रहता है, पैसों की कमी नहीं आती है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। यहाँ जानिए शास्त्रों के अनुसार बताई गई तुलसी के संबंध में 10 खास बातें। इन दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी के पत्ते। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। रोज करें तुलसी का पूजन। हर रोज तुलसी पूजन करना चाहिए। साथ ही यहाँ बताई जा रही सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी से दूर होते हैं वास्तु दोष। तुलसी घर के आंगन में होने से कई प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति पर शुभ असर होता है। तुलसी का पौधा घर में हो तो नहीं लगती है बुरी नजर। ऐसा मान्यता है कि तुलसी का पौधा होने से घर वालों को बुरी नजर प्रभावित नहीं कर पाती हैं। साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती है, सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए घर में। यदि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी में या तालाब में या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। सूखा पौधा हटाने के बाद तुरंत लगा देना चाहिए तुलसी का दूसरा पौधा। एक पौधा सूख जाने के बाद तुरंत ही दूसरा तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने से बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्थ तुलसी का पौधा ही लगाया जाना चाहिए। तुलसी है औषधि भी। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है, साथ ही आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो कई बीमारियों को दूर करने और उनकी रोकथाम करने में सहायक हैं। तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले कई सूक्ष्म
कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। रोज तुलसी की एक पत्ती सेवन करने से मिलते हैं ये फायदे। तुलसी की सुगंध हमें स्वास्थ्य संबंधी कई रोगों से बचाती है। साथ ही तुलसी की एक पत्ती रोज सेवन करने से हम सामान्य बुखार से बचे रहते हैं। मौसम परिवर्तन के समय होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचाव हो सकता है। तुलसी की पत्ती सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन हमें नियमित रूप से तुलसी की पत्ती का सेवन करते रहना चाहिए। तुलसी के पत्ते चबाना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व भी विद्यमान होते हैं, जो पत्तों को चबाने से दांत पर लग जाते हैं। ये तत्व दांतों के लिए फायदेमंद नहीं हैं, अतः तुलसी के पत्तों को बिना चबाए निगलना चाहिए। शिवलिंग और गणेश पूजन में वर्जित है तुलसी के पत्ते। यूं तो पूजन में तुलसी का विशेष महत्व है, पर शिव पूजन और गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इसके लिए पुराणों में दो कथा बताई गई है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति दैत्यों के राजा शंखचूर्ण का वध किया था, जिसके फलस्वरूप न तो शिव पूजन में तुलसी काम में लेते हैं और न ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें दो विवाह का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया। इसीलिए गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित है। तो ये थे फ्रेंड्स, तुलसी अगर घर में है तो जरूर जानिए इन बातों को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। भगवान आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।